स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि बी बॉस का एग्ज़ाम दिए थे और उनका रिजल्ट पेंडिंग शो हो रहा है। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि रिजल्ट पेंडिंग शो होने का रीज़न क्या है और हम लोग इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और बी बॉस से रिलेटेड, ओपन बोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बी बॉस का जो है वो रिजल्ट पेंडिंग यहाँ पर शो क्यों करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट उसमें से ज़्यादातर जो रीज़न है वो ये होता है कि अगर आप अपना कॉपी जो सबमिट करते हैं या फिर जो OMR सीट फिल करना होता है उसमें आप कुछ मिस्टेक किए होंगे, जैसे कि आप अपना सिग्नेचर नहीं किए होंगे या फिर आप जो है अपना नेम, रोल नंबर या फिर आप कोई भी मिस्टेक किए होंगे, तो उस वजह से भी आपका जो है वो रिजल्ट डिले हो सकता है, पेंडिंग हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर कारण ये भी हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। ओके, तो ये तो थी कि रिजल्ट पेंडिंग क्यों शो हो रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको अपना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लेकर के और एप्लीकेशन लिखना होगा कि मेरा रिजल्ट जो है वो पेंडिंग शो हो रहा है तो मैं क्या करूं। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और आपको अपना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लेकर के आप जहां से भी इसका फॉर्म फिल किए हो तो आपको वहां पर जाना होगा, ठीक है ना। और आपका जो भी टीचर फॉर्म फिल किया है आपको सिंपली इसे जा करके दे देना होगा और बताना होगा कि मेरा बी बॉस का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग शो हो रहा है तो आप इसको प्लीज़ सोल्व करा दीजिए, ठीक है। और जो आपका फॉर्म फिल किया होगा, बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है कि वो बोले कि नहीं ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये है वो है, तो आपको उससे मतलब थोड़ा सा बोलना है, रिक्वेस्ट करना है कि नहीं मुझे ज़रूरी है आप जो है वो फॉर्म, मेरा जो एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी और अप्लीकेशन है आप लीजिए और इसका मेन ऑफिस पटना मीठापुर में आप इसको सेंड कीजिए, ठीक है। तो आपको ऐसा ज़रूर करना होगा और ये हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सोल्व हो जाता है। ज़्यादा नहीं, ये मुश्किल से एक से भी कम परसेंट जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को साथ ही ऐसा होता है। और अगर आपका टीचर भी ऐसा नहीं करता है तो आपको सीधा एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी और एप्लीकेशन लेकर के पटना मीठापुर आपको वहाँ चले जाना है, ठीक है। वहाँ से ही आपका सोल्व हो सकता है। और दूसरा फिर आपको मेन ऑफिस में कॉल करना है और आपको उससे पूछ लेना है। तो आपको आप अपना पेंडिंग जो रिजल्ट शो कर रहा है आप इस तरह से सोल्व करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम दिसंबर में होने वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है हम उससे काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो पब्लिश करेंगे।